बोकारो के कुर्मीडीह स्थित गोल मार्केट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे अधिकारियों के साथ चार सीओ बतौर दंडाधिकारी रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे। इस दौरान कई मकान और दुकान तोड़ दिए गए। स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया और रोड़ेबाजी भी की। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि वो यहाँ 1974 से रह रहे हैं। इसके बाद चार सीओ दिलीप कुमार ने रेलवे को कैंप लगाकर दुकानदारों की समस्या का निदान करने को कहा, तब जाकर ये मामला शांत हुआ, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने गई टीम वापस लौट गई। हम यहाँ के प्लॉटधारी हैं, ये 74 का लमसम अलॉटमेंट है। हम लोग हर चीज से सरकार का अवंचित है। ये रेलवे हम लोग से डिफॉल्टर के रूप में सफाई बिजली सब कुछ देने का जो एग्रीमेंट था वो दिया नहीं। हम लोग से डिफॉल्टर ले करके अभी सालाना 10,000 रुपया किया, जो हम लोग को किसी प्रकार का यहाँ कोई सुविधा नहीं है, नहीं यहाँ मार्केट है, और उसके चलते हम लोग इधर उधर से अपना जीविकापार्जन करते हैं। फिर भी हम लोग दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि रेंट नहीं दे रहे हैं। तो एक आवेदन दिया गया था कि उनके द्वारा आवंटित प्लॉट में कोई दूसरा व्यक्ति रहता है और जो है 20 साल से उसके द्वारा किसी तरह का कोई भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए जो है उसको खाली कराया जाना आवश्यक है। और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो है हमें निर्देशित किया गया कि आप जाएं और जा करके विधि व्यवस्था का संधारण करते हुए खाली कराएं।